नमस्कार, मैं रवि कामरा सिटी डायलॉग्स में आज आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत अद्भुत शख्सियत हमारे साथ हैं, जिनको फिल्म के बारे में जैसे उनके अंदर से निकलती हैं फिल्म की बातें, फिल्म की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जो चौकसी साहब, जयप्रकाश चौकसी साहब जो रोज़ दैनिक भास्कर में पर्दे के पीछे नाम से जो कॉलम लिखते हैं पिछले 24 साल से, आज सौभाग्य की बात है कि वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे उस कॉलम के बारे में, पिक्चर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में और उस सारे एक माहौल के बारे में जो पिक्चरों से हमारे जहन में जुड़ा हुआ है। अपने रोज़ पढ़ते हैं पर्दे के पीछे और ऐसा हैरानगी होती है कि इतना ज़्यादा बातें कैसे किसी को याद रह सकती हैं और कैसे कोई उनको इस तरह से एक पंक्तिबद्ध कर सकता है। तो आज एक बड़े सौभाग्य की बात है कि जयप्रकाश चौकसी साहब के पास बैठे हैं हम और उन्हीं से थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं और आनंद भी लेते हैं और इस चीज़ पे उन स्मृतियों में चलेंगे जो जयप्रकाश चौकसी साहब के मन के अंदर हैं, फिल्म लाइन की ढेर सारी बातें। और इसके बजाय के बात कहीं और से शुरू करें तो जयप्रकाश चौकसी साहब के पास ही चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि चौकसी साहब, ये आप इतना जो भंडार है ये इसके बारे में आप हमें कुछ थोड़ा सा कहें। शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे दैनिक भास्कर में ये कॉलम लिखते हुए ये 24वां साल चल रहा है, ये 10 नवंबर को 24 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा लिखा या बुरा लिखा ये तो पाठक बताता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 24 साल में एक दिन की भी गैरहाजिरी नहीं है। ये कॉलम है सोमवार से शनिवार तक, इतवार को नहीं होता, सोमवार से शनिवार तक। तो 24 बरस तक लगातार कॉलम लिखा है, अभी भी लिख रहा हूँ और एक भी दिन की गैरहाजिरी नहीं है, जबकि 24 सालों में कई बार बीमार पड़ा हूँ और कई मुख्तलिफ शहरों में बीमार पड़ा हूँ, कभी बम्बई में, कभी इंदौर में, कभी नागपुर में। तो मैंने अस्पताल से भी अपना कॉलम लिखा है। क्या बात? अब ये जानकारियाँ जो है, इसका कारण ये है कि मैं 55 साल से फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ और मेरा रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से दो तरह का है, एक तो व्यक्तिगत रिश्ता है, दूसरा व्यावसायिक रिश्ता है। हम पेशे से फिल्म वितरक हैं, मध्य प्रदेश के लिए फिल्मों के अधिकार खरीदते हैं, तो मैंने इन तमाम लोगों के फिल्मों के अधिकार भी खरीदे हैं। और ये व्यवसाय अब पिछले कुछ सालों से मेरे दोनों बेटे चला रहे हैं, आदित्य चौक से और प्रभत्यु चौक से, वो लोग चला रहे हैं। और एक्चुअली जिस समय हम बात कर रहे हैं, मेरा बेटा आदित्य चौक से लंदन में अपनी फिल्म पंगेबाजी है, ऐसा कुछ नाम है, अनीस बजमी डायरेक्टर हैं, उसकी शूटिंग कर रहा है। वहाँ 2 महीने की शूटिंग है, वहाँ शूटिंग चल रही है उसके। तो व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बेटे भी जुड़े हुए हैं कुछ हद तक। तो जानकारियाँ तो खुद अपने मेल मुलाकात से, व्यावसायिक रिश्तों से भी हुई है उनके साथ। इसके अतिरिक्त मुझे पढ़ने का शौक़ हमेशा से रहा है। मैं किताबें लिखता तो मैं एक ही कॉलम हूँ, पढ़ता बहुत हूँ।
मैं पिछले 50-55 सालों से प्रतिदिन कम से कम 3-4 घंटे किताबें पढ़ता हूँ, और वो किताबें अलग अलग विषयों की होती हैं। वो राजनीति की भी हो सकती है, वो धर्म की भी हो सकती है। मेरे घर में महाभारत 40 किताबें हैं महाभारत पर, अलग अलग लोगों के इंटरप्रिटेशन हैं महाभारत पर। और अभी इसी महीने दिल्ली से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, पाखी नाम है उसका, पाखी में मेरी कहानी छपी है, कुरुक्षेत्र की कराह, ये कहानी मेरी अभी छपी है जो महाभारत से इंस्पायर्ड है, इस पाखी के इस अंक में छपी है जो अभी जारी हुआ है बाज़ार में, अभी 2-4 दिन पहले ही आया है। तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मैं बहुत अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ता हूँ। अगर ऐसी मैं अपने थोड़े से इंटरेस्ट की बात करूं, देव साहब पे हम कभी चर्चा करते हैं तो देव साहब पे आप काफ़ी लिखा है आपने, तो देव साहब के साथ मुलाकात का कोई संस्मरण, कोई चीज़ बताएं जरा। ये क्या एग्जैक्टली ईयर तो मुझे याद नहीं है सन वगैरह, पर एक दौर ऐसा था कि मैं बॉम्बे में पत्रकार था, फ्रीलांस पत्रकार, किसी अखबार से जुड़ा हुआ नहीं था। तो वहाँ पर एक नया अखबार शुरू हुआ, टेक टू नाम था उसका, टेक टू, ये फिल्म की लैंग्वेज है, टेक वन, टेक टू, टेक थ्री, टेक फोर होता है, अखबार का नाम था टेक टू। और इसमें इसको निकाला था हेमा मालिनी के सेक्रेटरी, देवानंद साहब का सेक्रेटरी और अमित खन्ना, ये तीन लोगों ने मिलकर ये अखबार शुरू किया था। और इस अखबार के पहले एडिटर थे विनोद, जो बाद में विनोद मेहता, जो बाद में बहुत महान संपादक साबित हुए आउटलुक के, आउटलुक के वो बहुत महान संपादक, वो उस समय वहाँ पर थे। तो मैंने उनको देवानंद पर एक आर्टिकल दिया, उन्होंने पढ़ के कहा ये हम नहीं छापेंगे, इसमें कुछ बातें देवानंद के खिलाफ है। अच्छा। तो मैंने साहब मैं तो, मेरी तो रोजी रोटी है। तो उन्होंने शायद मजाक में ही कहा होगा, उनका अच्छा देवान से परमिशन लेके आओ। लेकिन मैं तो गंभीरता से देवान साहब के दफ्तर पहुंच गया। अच्छा। तो खार में उनका दफ्तर होता था और वो बड़ी पुराना कंपाउंड है, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग है। देवानंद साहब का जो दफ्तर था वो पहले माले पे था, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, और वो लकड़ी की सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर, और वो बिल्कुल रेल के डब्बे की तरह उनका ऑफिस था। पहले कमरे में रिसेप्शन है, फिर अकाउंट सेक्शन वगैरह वगैरह, आखिरी कमरे में देव साहब बैठते थे। अच्छा। तो मैं देव साहब को मिलने गया, मैंने कहा साहब ये आर्टिकल टेक टू में इनकार किया, आप देख लीजिए। तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझसे बात करने के पहले उन्होंने अपने ऑपरेटर से कहा कि टेक टू के एडिटर को फ़ोन लगाओ। फिर फ़ोन पे बोले कि देखिए ये आर्टिकल आप ज़रूर प्रकाशित कीजिए, और जो आप यूजुअल रेमुनरेशन देते हैं मेहनताना देते हैं उससे डबल दीजिएगा। अच्छा। क्योंकि इनकी रोजी रोटी पत्रकार है, दीजिए। और ठीक है, कुछ बातें मेरे खिलाफ लिखी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रकाशित करें, और अंग्रेजी भाषा तो बहुत ही अच्छी लिखी है, इसलिए भी ये आर्टिकल पढ़ा जा सकता है। तो उस आर्टिकल का पहला सेंटेंस था, द लाइफ एंड टाइम, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देव आनंद रिवॉल्व अराउंड द एक्सीडेंट ऑफ हिज बीइंग बॉर्न ए वेरी हैंडसम पर्सन। कि ये देवानंद साहब की ज़िंदगी और उनकी फिल्में और उनके सारे काम इस इत्तेफाक के गिर्द घूमते हैं कि उनको ईश्वर ने बहुत सुंदर पैदा किया है, बहुत खूबसूरत पैदा किया है। बात पते की भी है, लेकिन थोड़ी बुराई भी है कि क्या आप मेरे बारे में सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए लिख रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, ऐसी बात नहीं, उसमें आलोचना छुपी हुई है। और देवानंद बहुत शार्प थे, उन्होंने पकड़ ली बात, उन्होंने उसको प्रकाशित भी कराया। और उसके बाद देवानंद साहब से कई बार मुलाकातें हुई हैं, और वो तो क्या है साहब, देवानंद साहब का लाइफ में पहली बार तो वो बहुत तेज़ चलते थे पैदल, कई बार उनके साथ पैदल चलने का मुझे अवसर मिला तो मुझे दौड़ना पड़ता था,
उनकी चाल और मेरा दौड़ना बराबर होता था। फिर देवानंद साहब का टेम्परामेंट जो है वो हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन टेम्परामेंट उनका एक अंग्रेज आदमी का था। अच्छा, जैसे अंग्रेज आदमी का टेम्परामेंट होता है वैसा टेम्परामेंट था। तो मसला ये है कि देवानंद साहब के फादर बहुत मशहूर लॉयर थे, बहुत मशहूर लॉयर थे और बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे। तो उन्होंने, उनके घर में तमाम चीज़ें अंग्रेजी ढंग की होती थी, डाइनिंग टेबल और ये सब, और कांटा चम्मच से खाना ये सब होता था। लेकिन भीतर से वो बेहद भारतीय थे। जब चेतनानंद बड़े हुए तो उन्होंने चेतनानंद से कहा कि गुरुकुल कांगड़ी जाओ और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करो। हाँ, तो गुरुकुल कांगड़ी चेतनानंद को भेजा। जब देवानंद ने इम्तिहान वगैरह पास कर लिए तो उनको कहा कि आप भी गुरुकुल कांगड़ी जाइए। तो देवानंद का, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा इस तरह की बातों में कोई रुचि ही नहीं है। मेरी रुचि जिन बातों में है वो आज है, टुडे, आज क्या है, इनमें मेरी रुचि है। 5000 साल पहले मेरे देश की संस्कृति क्या कहती है इसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता। वो महान है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जानना नहीं चाहता, मैं आज के बारे में जानना चाहता हूँ। तो देवानंद साहब का तो ये था कि उनके दिमाग में कोई ख्याल आया तो वो फौरन लिख डालते थे। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो लिखते थे कागज़ पे स्याही सूखने के पहले वो सेट डिज़ाइन करने का ऑर्डर दे देते थे। सेट मुकम्मल हो या ना हो, पुला था बन जाए, वो शूटिंग शुरू करते थे। उनको हर चीज़ की जल्दी बहुत थी, बहुत तेज़ी के साथ काम करते थे। देखिए ना, देवानंद साहब ने अपना एक्टर बने वो 1946 में, पहली फिल्म थी हम एक हैं, और 49 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। उस समय तक तो 49 तक तो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक्टर जरूर थे पर बड़े स्टार नहीं थे। 49 में उन्होंने नवकेतन फिल्म संस्था खोल ली, पहली 3 या 4 फिल्में चेतनानंद साहब ने डायरेक्ट की हैं, बाद में विजयानंद ने डायरेक्ट किए फिल्में। तो दूसरा ये कि देवानंद साहब को फेलुअर से कभी डर नहीं लगता था कि भाई मेरी फिल्म नहीं चलेगी तो क्या होगा, उनको कभी इसका डर ही नहीं लगता था। मेरे ख्याल से कभी उन्होंने रजिस्टर खोल के देखा ही नहीं कि किस फिल्म ने क्या मुनाफा दिया, किसने क्या नहीं दिया। और उनका क्या है कि उनके साथ बहुत अजीबोगरीब इत्तेफाक हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हीरा पन्ना की शूटिंग के लिए बेंगलोर गए थे वो, तो बेंगलोर में उनका पुराना दोस्त था, तो उसके बाद सब पैसे रख दिए कि भाई ये पैसे रखो और ये मेरा प्रोडक्शन वाला है, ये रोज आके तुमसे जितनी ज़रूरत होगी ले जाएगा। तो 10-12 दिन 15 दिन छुट्टी हो गई। जब वो जाने लगे तो उनके दोस्त ने कहा, यार ये हिसाब है और कुछ पैसे तेरे बचे हैं लेकिन मैं तुझे पैसे दूंगा नहीं क्योंकि मैं खा गया, तो हिसाब लेकिन ये है। नजान का क्या, इन बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देवा साहब वापस मुंबई आ गए। कोई 10 साल बाद इसके देवानंद साहब को चिट्ठी आई बेंगलोर अथॉरिटीज की कि यहाँ पर आपके नाम का एक बंगला है, आपके नाम का बंगला, हाँ, और वो वहाँ सड़क चौड़ी की जा रही है तो बगीचे का 10 फुट जमीन सरकार को लेना है। तो देवानंद साहब ने रिकॉल किया कि वो दोस्त को जो पैसा दे गए थे, जो पैसा बचा था उसने उसका मकान खरीद लिया इनके नाम पे, देवानंद के नाम पे। अच्छा, वो ज़माना तो ये नहीं था ना कि प्रॉपर्टी खरीदना हो तो आधार कार्ड दिखाओ और ये करो, ऐसा कुछ नहीं था। उस ज़माने में लोग खरीद लेते थे प्रॉपर्टी। हाँ, तो देवानंद साहब को ऐसा इत्तेफाक उनके साथ 2 बार हुआ है। एक बार तो बहुत कमाल हुआ, वो आयरिश पार्क के अपने बंगले में बैठे थे और एक अंग्रेज उनसे मिलने आया। उसने कहा, साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने पिछले 5 साल में आपको किराया दिया ही नहीं है। तो किराया किस बात का, तो उनका पाली हिल में एक आपका बंगला है जिसमें मैं 15 साल से किराएदार हूँ, 5 साल से मैंने किराया भी नहीं दिया, अब मैं जा रहा हूँ मेरे वतन, तो सोचा चाबी आपको दे के जाऊँ। तो उनका, चाबी छोड़ो, गाड़ी में बैठ के मुझे बंगला भी तो दिखाओ, है कहाँ? ये वही जगह है जहाँ अभी
उनके बेटे डबिंग सेंटर चलाते हैं पाली हिल पर, ऋषि कपूर के बंगले से थोड़ी दूर पर वो एक बंगला है जहाँ पर देवानंद साहब के बेटे डबिंग थिएटर चलाते हैं, जहाँ फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज उनको मिल गई है जो उन्होंने इंटेंशनली नहीं खरीदी थी, ऐसा इरादा भी नहीं था, पर उनके साथ इस तरह के इत्तेफाक हुए हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं गुरुकुल का अगली नहीं जाऊँगा, वो बात मैं आपको तफसीस से कहना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भारतीय संस्कृति में उनका विश्वास नहीं था, ऐसा मतलब नहीं है। वो एक मॉडर्न आदमी थे और उनको इस कदर मॉडर्निटी के प्रति वो सजग थे कि जब वो बीमार रहने लगे और डॉक्टरों का इलाज चल रहा था और उनको ऐसा अंदाज लग गया कि अब महीने 15 दिन से ज़्यादा मेरे पास नहीं है, तो इंग्लैंड चले गए। वो इंग्लैंड में उन्होंने कमरा किराए से लिया, वहाँ अपना लिखा विल वगैरह। तो देवानंद की डेथ इंग्लैंड में हुई है और अंतिम संस्कार भी इंग्लैंड में हुआ। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि हिंदुस्तान में अगर उनकी डेथ होगी तो बहुत तमाशा होगा, मौत शव यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे, और एक जैसा आपने बाद में राजेश खन्ना की डेथ में देखा ही है, तो वो होता है ऐसा सब बड़े लोगों की डेथ में। और राज साहब की डेथ के वक्त भी चैम्बूर में तमाम पुलिस वगैरह लगी थी और हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी, तो ये तो होता है ऐसा। तो ये इस मायने में उसको मैं अंग्रेज आदमी कह रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय संस्कृति से लगाव नहीं है। उनकी कंपनी का नाम देखो, भारतीय नाम है नवकेतन, नवकेतन फिल्म से। आपने डेथ की बात की तो मैं ये कुछ उस समय के पेपर्स हैं, आप जरा एक बार देखिए। डीएनए लिख रहा है कि रोमांस इज डेड। भास्कर ने लिखा था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उन्होंने जिंदगी का साथ तो वाकई जैसा आप बता रहे हैं खूब निभाया और पूरे एक अच्छा एक आप बता दो देवानंद का टेम्परामेंट, आप एक छोटी सी घटना से आपको समझ में आ जाएगा। कल्पना कार्ती के साथ वो शूटिंग कर रहे थे। कल्पना कार्ती को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में और वो मनी मन कल्पना कार्तिक से प्रेम भी करते थे और कल्पना कार्तिक भी उनको प्रेम करते थे। तो एक दिन शूटिंग के समय उन्होंने कल्पना से कहा कि हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, हमको शादी कर लेना चाहिए। तो कल्पना की रजामंदी उन्होंने ले ली और स्टूडियो में शूटिंग के दरमियान उन्होंने शादी भी कर ली। अच्छा। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो जिस पुजारी ने श्लोक व्लोक पढ़े हैं वो शायद फिल्म में पुजारी की एक्टिंग करता होगा, स्टूडियो में कहाँ से ब्राह्मण लेके आ गए, क्या किया। लेकिन वो अगर मन में विचार आया फट से कर देना चाहिए, ये टेम्परामेंट है। विचार आया फट से कर लिया। लेकिन चाहे पुजारी इस वो शूटिंग वाला रहा। लेकिन उन्होंने निभाई तो फिर मैंने निभाई, बिल्कुल निभाई है, ऐसी बात नहीं है। और उनकी डेथ के बाद कल्पना कार्तिक बांद्रा में सलमान खान के घर जाते हैं, उसके पहले कॉर्नर पे एक चर्च है, उस चर्च में वो रोज सारा दिन चर्च में बिताती थी। चर्च में वो प्रेयर करने के लिए आती थी, अपने साथ लंच का डब्बा भी ले आती थी और सुबह आती थी शाम को लौट जाती थी। वो आखिरी वर्षों में उनका ऐसा था। आज हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं संजय जी। संजय जी आप यहाँ आपने जब देव साहब पे अपने प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने खूब चार दीवारी के अंदर जाके ऐसे लोग ढूंढे जो देव साहब जैसे लगते थे। एक आपने देव साहब का डुप्लीकेट भी ढूंढा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे जरा। जी मैं शहर में रहता था तो जब देव साहब का अपने प्रोग्राम की बात चली तो मेरे को लगा कि एक मैंने बचपन में एक ऑर्केस्ट्रा में एक सज्जन थे वो देवानंद के फिल्मों पे मतलब जो गाना था उन पे ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे। तो आपको मैंने बात करी फिर उनसे मिलने गए, उसके थोड़े दिन बाद उनका उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ही वॉज वंडरफुल
फॉलोअर ऑफ देव साहब, मतलब जितने भी गानों में जितनी तरीके की एक्टिंग करनी है वो सब कुछ वैसा ही वैसा करते थे। तो जब हमने उनको शायद उस कार्यक्रम में भी बुलाया था, उनको शायद आ नहीं पाए थे, लेकिन वो एक जैसे आप देव साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, थोड़ा सा मुझे भी उनके फिल्मों से लगाव था और उस कार्यक्रम में जुड़ के, और मेरे ख्याल से हमने चौकसे साहब की भी कोशिश की थी कि हमको कहीं बुला जाए, तो मोहन चूड़ी वाला साहब से हमारी मुलाकात हुई लेकिन वो जो एक अविस्मरणीय कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं देव साहब पे, वो था। और हमेशा से कहते हैं लोग बाग अभी भी पूछते हैं कि दोबारा कार्यक्रम कब होगा, तो शायद हो सकता है अगले कार्यक्रम में चौकसे साहब को मौजूदगी और लोगों को जो आज इन्होंने सुना इतना सारा और उसको दोबारा सुनने का मौका मिले। सर देखिए पर्लेस बक ये अमेरिकन राइटर हैं, गुड अर्थ इनकी बहुत मशहूर किताब है और मेरे ख्याल से शायद नोबेल प्राइज भी मिला है उसको, आई एम नॉट श्योर लेकिन शायद मिला है। तो पर्लेस बक ने आर के नारायण का नॉवेल पढ़ा गाइड और उन्होंने फिल्म बनाने का तय किया। तो एक फिल्म निर्देशक अमेरिका में टेड डेनेस्की नाम था उनका, मेरा तल्फुज शायद सही नहीं है, वो डेनेस्की है डेनविस्की है ऐसा कुछ नाम था। तो बहरहाल टेड के साथ वो इंडिया आए और देवानंद साहब से उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की, तो देवानंद साहब तो सहज तैयार हो गए, ठीक है फिल्म बना डालते हैं, शूटिंग शुरू की जाए। उन्होंने चेतन आनंद को अप्रोच किया कि भाई एक डायरेक्टर तो वहाँ से है और फिल्म दो लैंग्वेज में बन रही है, इंग्लिश और हिंदी, हिंदुस्तानी। 7-8 दिन की शूटिंग हुई होगी और चेतन साहब ने कहा कि देखो देवानंद, अमेरिकन डायरेक्टर का नज़रिया और मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग अलग है, तो मेरे लिए ऐसी किसी फिल्म को बनाना मुमकिन नहीं है जिसके दो डायरेक्टर हों, तो मैं तो इससे बाहर जा रहा हूँ। तो देव साहब ने तुरंत विजयानंद से बात की कि तुम इसको डायरेक्ट करो। तो विजयानंद का देखिए ये अमेरिकन लोग अपनी स्क्रिप्ट लेके आए हैं नॉवेल के ऊपर, ये अपने ढंग से फिल्म बना रहे हैं, इनकी पूरी फिल्म बन जाने दीजिए आप पूरी। इस बीच में मैं इसी स्क्रिप्ट पे काम करके दोबारा इसको लिखूंगा, क्योंकि हिंदुस्तानी फिल्म में गाने होते हैं, इसमें कोई गाना नहीं है। तो ये फिल्म की पूरी शूटिंग हो जाने दीजिए, 6-8 महीने बीत जाने दीजिए, तब तक मैं काम करता हूँ, फिर गाइड हम दोबारा शूट करेंगे। तो गाइड दोबारा शूट हुई है, इसमें SD बर्मन का म्यूज़िक है और शैलिन के गाने हैं। और देखिए ये द्विजानंद और SD बर्मन और शैलिन तीनों का कमाल है कि वो जो रोज़ी कैरेक्टर है, उसकी जो हीरोइन है रोज़ी, गाने के मुखड़े में एक पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, तोड़ के बंधन बांधी पायल, आज फिर जीने का इरादा है, आज फिर मरने की तमन्ना है, क्या बात है। ये हैट्स ऑफ टू शैलेंद्र SD बर्मन साहब। और ये सिलसिला देखिए काफ़ी सालों तक चलता रहा, फिर देवानंद साहब ने कहा कि अब मैं अपनी फिल्में खुद डायरेक्ट करूँगा। तो प्रेम पुजारी पहली फिल्म है जिसका डायरेक्शन उन्होंने किया। तो उस समय विजयानंद ने कहा कि अच्छा अब आप डायरेक्शन में जा रहे हो तो मैं एक्टिंग में जाता हूँ। तो देवानंद साहब की विजयानंद साहब की तीन चार हिट फिल्में आई हैं, कोरा कागज़ नाम था एक, जया बच्चन के साथ की थी उन्होंने, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं तुलसी तेरे आंगन की राज खोसला की फिल्म है उसमें भी विजयानंद साहब हीरो हैं। तो विजयानंद जो डायरेक्टर था वो एक्टर बन गया और एक्टर देवानंद साहब ने डायरेक्शन शुरू कर दिया। तो ये तीनों ही भाई बहुत टैलेंटेड लोग थे, बहुत प्रतिभा संपन्न लोग थे। और ये देवानंद का व्यक्तित्व तो ऐसा व्यक्तित्व है जहाँ पूर्व और पश्चिम की मुलाकात होती है, वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर की मुलाकात होती है, वो देवानंद है। देवानंद उस पुल का नाम कह सकते हैं हम जहाँ पश्चिम और पूर्व का मिलन होता है। हाँ बताता हूँ, हाँ ये एक ऐसा आपने याद दिला दिया मुझे, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस देश में गंगा बहती है कि बनने की कुछ क्रेडिट देवानंद साहब को भी जाती है। सुनने में आपको अजीब लगेगा, ये पिक्चर है राज कपूर साहब की। हुआ ये कि अर्जुन देव रश ने
स्क्रिप्ट लिखी और वो देवानंद को स्क्रिप्ट सुनाने के लिए गए। तो देवानंद ने पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद कहा कि भाई देखो, इसका हीरो गांव का एक आदमी है, मैं गांव के आदमी का रोल करता ही नहीं हूँ। मेरी सारी फिल्मों में मैं शहरी नौजवान हूँ, कई फिल्मों में शहरी बेरोज़गार नौजवान हूँ, सिर्फ एक फिल्म में गांव का काम मैंने किया है और वो तजुर्बा इतना ख़राब था कि दोबारा नहीं करूँगा। वो इंसानियत नाम की फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, वो बहुत ही ख़राब फिल्म थी, वो कामयाब भी नहीं हुई, कई लोगों को याद भी नहीं होगा। तो बहरहाल उन्होंने अर्जुन से कहा कि आपकी फिल्म में गांव का वातावरण है, गांव का एक आदमी है जो इधर उधर जाता रहता है, तो ये मेरे काम की नहीं है, इस तरह की फिल्म राज कपूर बना सकता है। तो उन्होंने वहीं से राज कपूर को फ़ोन लगाया कि अर्जुन देव रस नाम का राइटर है, भेज रहा हूँ, उसकी कहानी मेरे के तो काम की नहीं है, शायद तुम्हारे काम की हो, तुम सुन के खुद फैसला कर लेना। तो अर्जुन देव रस के देवानंद का रिकमेंडेशन लेकर राज कपूर के पास पहुँचे। उस दिन राज साहब के कमरे में शैलेंद्र, शंकर जयकिशन भी, हसरत जयपुरी बैठे थे, उनका रोज का ही मिलना जुलना था। तो वहाँ आके अर्जुन देव रस साहब ने अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद राज कपूर साहब ने कहा कि आप ऑफिस जाके साइनिंग अमाउंट ले लीजिए, ये कहानी मेरी हो गई। तो अर्जुन देव रस के जाने के बाद शंकर जी के ने कहा कि राज कपूर, ये तुम क्या कर रहे हो यार, इस पिक्चर में एक डाकू की कहानी है, म्यूज़िक की कोई गुंजाइश नहीं है, एक भी गाने की सिचुएशन हमको नज़र नहीं आती है, तो तुम तो ऐसा करो भैया, जागते रहो मैं सलील चौधरी लिया था, इसमें भी सलील चौधरी को ले लो। तो राज कपूर ने कहा हम इस बारे में फिर बात करेंगे 15 दिन बाद। तो 15 दिन बाद फिर मीटिंग बुलाई और इस बार राज कपूर ने उसी कहानी को अपने अंदाज में सुनाना शुरू किया। तो 11 गानों की सिचुएशन उसमें है, 11 गानों वो राज कपूर की बनाई हुई सिचुएशन है और शंकर जयकिशन ने म्यूजिक भी दिया है। म्यूजिक भी दिया है। तो ये फिल्मों में है एक जिसमें अच्छा, देखिए इसका एक अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो एक अलग पर्सपेक्टिव भी इसका है कि जागते रहो बहुत महान फिल्म है लेकिन व्यावसायिक तौर पे वो चली रही है। अच्छा, बहुत महंगी फिल्म थी क्योंकि बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई थी, इसलिए महंगी थी, हर शॉट के 2 टेक लेना पड़ते थे, महंगी फिल्म भी थी लेकिन फिल्म चली नहीं। उसके बाद राज साहब ने नेहरू जी से वादा किया था एक फिल्म का, तो वो एक बच्चों की फिल्म उन्होंने बनाई, अब दिल्ली दूर नहीं, तो उसके चलने का तो ऐसे भी कोई सवाल नहीं था। तो राज कपूर और नरगिस का अलगाव हो चुका है, सिचुएशन देखिए, राज कपूर और नरगिस जुदा हो चुके हैं, जागते रहो व्यावसायिक तौर पर नहीं चली है, अब दिल्ली दूर नहीं व्यावसायिक तौर पर नहीं चली है। अब राज कपूर जो फिल्म बना रहे हैं अर्जुन देव रश की लिखी हुई, उसका हिट होना उनके लिए कितना ज़रूरी है, अगर वो फिल्म भी ना चले तो आर के स्टूडियो बंद हो जाए। तो ये जिस देश में गंगा बहती है, आर के स्टूडियो राज कपूर के लाइफ में बहुत अहमियत रखने वाली फिल्म है कि दो फ्लॉप फिल्मों के बाद एक अच्छा, जिस देश में गंगा बहती है इतनी ज़्यादा सफल हुई है कि कुछ पूछिए मत, उसकी सफलता के कारण ही संगम जैसी महंगी फिल्मों बना पाए, है ना। तो ये कुछ अजीब व गरीब मामला इनका होता है। अच्छा, देव साहब का क्या था कि वो राज कपूर को दावतें देने का बहुत शौक़ था, तो उनकी दावतों में दिलीप साहब और देवानंद तीनों मिल बैठते थे। तो ऐसे ही कोई बातचीत में कहा गया कि यार देवानंद, एक आध रोज तुम भी दावत रखो। देवानंद का ठीक है, अगले संडे को आ जाना। तो दिलीप कुमार और राज कपूर साहब देवानंद साहब के यहाँ गए, कुछ और 8-10 लोग आए हुए थे, पार्टी वार्टी शुरू हो गई, खाना पीना चलने लगा। 10:30 बजे सडनली दिलीप कुमार ने राज कपूर से कहा कि भैया, मेजबान तो गायब हो गया, जिसके हम दावत पर आए हैं देवानंद साहब, वो तो नजर नहीं आ रहे, और वो कब चले गए, कहाँ चले गए, कुछ खबर ही नहीं है। तो पता चला कि देवानंद साहब को जल्दी सोने की आदत थी और जल्दी उठने की आदत थी,
और वो ज़्यादा शराब वराब पीते भी नहीं थे, और उनको मालूम था कि ये दोनों अब दिलीप कुमार राज कपूर मिले तो ये सुबह 4 बजे तक पीते रह गए, दोनों ज़बरदस्त कैपेसिटी थी पीने खाने की, तो वो तो अपने उठ के सोने चले गए। तो दिलीप कुमार राज कपूर ने तय किया कि अच्छा ठीक है, अब हम उस समय तक पीते रहेंगे जब तक ये उठता नहीं है, इससे उठ के मिल के ही जाएंगे। तो ऐसे सुबह 4-5 बजे तक वो लोग चलते रहे। वो देखिए ये सब अखबारों ने खबर फैलाई भी होगी कि दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच में नहीं बनती थी, या ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तीनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। चौकसे साहब, सिनारियो चेंज हुआ है जो 70 के दशक में और आज के दशक में जो एक चेंज हुआ है सिनारियो फिल्म के बनने में और फिल्म की कमाई में और फिल्म की स्टेबिलिटी में, कि वहाँ की चीज़ें जो आज भी याद रहती हैं 70 के दशक की, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो वाला लेवल वो नहीं है, तो उसके बारे में सर आप ही कुछ गाइड करें। देखिए मैं बहुत संजीदगी गंभीरता के साथ और ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये ख्याल आपका, आपके ख्याल से मैं सहमत नहीं हूँ कि आज फिल्में अच्छी नहीं बनती हैं, मैं नहीं सहमत हूँ। देखिए पिछले 10-15 सालों में जो फिल्में बनी हैं वैसी फिल्में तो 50 साल पहले कभी बनी नहीं थी। विकी डोनर फिल्म बनी है, उतना बोल्ड सब्जेक्ट है, हाँ कहाँ पहले बनी है। जोर लगा के हाइशा, एक मोटी लड़की की शादी एक दुबले आदमी से हो गई है, बनी है। शुभ मंगल सावधान, ये भी बनी है। वेडनेसडे बनी है, हाँ ये फिल्म तमाम आज की है। नाम शबाना बनी है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो ये हर दशक में अच्छी बुरी फिल्में बनती रही हैं, ऐसा कुछ कॉपीराइट नहीं है कि 50s में ही बनी है। देखिए 1947 से 64 का जो पीरियड है उसको मोटे तौर पे हम जवाहरलाल नेहरू का कालखंड कहते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और उसी समय राज कपूर, महबूब खां, गुरुदत्त, देवानंद साहब, दिलीप कुमार, ये सब बहुत एक्टिव थे, ये उनके ज़माना था, उनके दौर था, लगातार हिट फिल्में देव साहब भी दे रहे थे, दिलीप साहब भी दे रहे थे, राज साहब भी, राज साहब की तो सब बढ़िया फिल्में उस दरमियान ही बनी। तो हर दशक में अच्छी बुरी फिल्में बनती रही हैं। जहाँ तक सवाल कमाई का है, जिसको बॉक्स ऑफिस कहते हैं, तो वो तो 106 साल के इतिहास में सक्सेस का रेशो 15% से ऊपर किसी साल भी नहीं गया। या हाँ 15%, 15% सफल फिल्में होती है, 85 असफल होती है। ये बिमल रॉय, राज कपूर, महबूब के ज़माने में भी हुआ है, गुरुदत्त, चेतनानंद, देवानंद के ज़माने में भी हुआ है, और शाहरुख खान और आमिर खान के ज़माने में भी हुआ है, और आज रणवीर सिंह और रणवीर कपूर के ज़माने में भी ये हो रहा है। 85% फिल्में असफल रहती हैं, 15% फिल्में सफल रहती हैं। दुनिया का कोई उद्योग ऐसा नहीं है जहाँ 15% सफलता के आधार पर उद्योग जिंदा रह सके। ये जिंदा रहता है, इसलिए जिंदा रहता है कि नए लोग आते जाते हैं, नए लोग पूंजी लगाने के लिए आते जाते हैं। तो हर चीज़ बदली है। यानी एक ज़माने में महबूब खां, शांताराम, गुरुदत्त, राज कपूर ये ऐसे डायरेक्टर थे कि इनका अपनी बनाई हुई फिल्मों पर की कमाई पे पूरा अधिकार इनका होता था। आज फिल्म की कमाई पर ज़्यादा अधिकार एक्टर का है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये जितने भी लोकप्रिय सितारे हैं ये आजकल फिल्म में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, 40% के मालिक बन जाते हैं, कोई 35% का बनता है, कोई 55% का मालिक बनता है। तो अब मालिकाना अधिकार निर्माता का नहीं रहा, एक्टर उसमें शामिल हो गया है। वो ज़माने में शांताराम, महबूब खां, गुरुदत्त, बिमल रॉय, राज कपूर के ज़माने में वो मालिक होते थे। बिमल रॉय के इतनी इज्जत दिलीप साहब करते थे कि जब भी बिमल रॉय साहब आते थे सेट पे, दिलीप साहब उठ के खड़े हो जाते थे। हाँ जब महबूब खां आते थे मैं स्टूडियो में तो दिलीप साहब उठ के खड़े हो जाते थे। जब केदार शर्मा आते थे तो राज कपूर उठ के खड़े हो जाते थे। एक अदब, एक
एक इज्जत थी डायरेक्टर की, फिल्म मेकर की. आज जो फिल्म मेकर की जो पहले कमाई थी वो कमाई अब सितारे को होने लगी है, वो मालिकाना हक उसका हो गया है. ये बहुत बड़ा परिवर्तन है. ऐसे अब डिजिटल पे जो शूटिंग की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तरक्की हुई है गलत हुई है, क्योंकि मेरा ऐसा अंदाज़ है कि डिजिटल पे शूट की फिल्म 10-20 साल में मिट सकती है. सेलुलाइट की तो नहीं मिटी है, आज भी मदर इंडिया का प्रिंट है, हाँ, आज भी गंगा जमुना का प्रिंट है, आज भी आवारा का प्रिंट है, 420 का प्रिंट है, शांताराम जी की कई फिल्मों के प्रिंट आज भी मौजूद है, क्योंकि वो सेलुलाइट पर शूट हुई थी. मैं इस बात को और तफसील से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, क्रिस्टोफर नोलन बहुत बड़ा फिल्म मेकर है, हाईली रिस्पेक्टेड और बहुत कामयाब है. वो आज भी अमेरिका में सेलुलाइट पर शूटिंग कर रहे हैं, वो डिजिटल को इनकार कर दिया उन्होंने कि मैं डिजिटल कैमरे से, हाँ, सेलुलाइट पर कर रहा हूँ, क्योंकि सेलुलाइट ज़्यादा समय तक टिकता है. डिजिटल के बारे में कुछ विश्वास से नहीं कहा जा सकता ये कब तक चलेगा. तो आज जो हम सुन पाए, समझ पाए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, वो एक नया ही एक्सपीरियंस रहेगा. हम जयप्रकाश चौकसी साहब आज जयपुर में आए और हम उनसे मिल पाए, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जयप्रकाश चौकसी साहब. आप लोगों से मिलके मुझे भी बहुत खुशी है. धन्यवाद.